बस 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ जल्दी से जल्दी। जब आप मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दोगे ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं एक राइड ना तब पक्का करूंगा, और लॉन्ग राइड होगी वो, ठीक है। एंड ये एक्सपीरियंस मेरे लिए अलग है यार, मैंने भाई लाइफ में ना मतलब ऐसा एडवेंचर कभी नहीं देखा। देखा वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है, और ये लोकेशन हम मिस कर जाते हैं। हाँ 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 दोस्तों क्या बात है, ये क्या लकड़ियाँ पड़ी हुई है बीच में, ओए होए 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 कितना प्यारा लग रहा है। कहन भाई सबकी चाल देखो कैसी होगी हुई है भैया, चलो मैं अभी गए ही नहीं है, अभी जा रहे हैं एंट्री करवा देते हैं। भाई जम्मू की गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा, यहाँ पे भी नज़र मारो, यहाँ पे भी रास्ता बनाओ। ये जा रही है भाई छड़ी, जय बोले। जंगल में पुल कितना प्यारा लग रहा है, साइडों से जंगल और बीच में व्हाइट कलर का पुल। सो फाइनली गाइस वेट हुआ खत्म, सुबह से भाई चल रहे हैं इसी लोकेशन के लिए, और ऐसे नहीं बोलता मैं ये लोकेशन इतनी प्यारी क्यों है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई डायरेक्ट चंबा से। अभी आप सोच रहे होंगे कि चंबा कैसे पहुंच गया, भाई मैं आपको बता देता हूं। जब हम कल शाम को पहुंचे थे ना वहां पे नीचे, तो फिर हमने डिसाइड करा कि हम बरमोर तक जाएंगे। भाई बरमोर तक आते आते ना फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई आज हम चंबा जाएंगे, और रात को हम चंबा पहुंचे 2 बजे। रात में कभी भी हमें ना राइड नहीं करनी चाहिए, बट मैंने कल रात ना रिस्क लिया। रिस्क इसलिए लिया कि दोस्तों वहां पे ना रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। जब हम कल आए थे ना तब भी भाई इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी ना भाई, रेनकोट लगा के हम आए थे और गीले भी हो गए थे, शूज हमारे गीले हो गए थे। अभी शूज हमने रूम में आगे सुखा दिए, और चंबा रात को पहुंचे 2 बजे, बड़ी मुश्किल से पहुंचे दोस्तों। अपने ना टांगों में इतनी ज्यादा पेन हो रही है ना, रात में मालिश करी एक दूसरों की, फिर जाके भाई टांगों में थोड़ा रिलीफ मिला हमें। एंड अभी हम सुबह सुबह निकल चुके हैं, और ये चंबा की मार्केट है, मतलब थोड़ा दूर ही आ जाऊं मैं, बट ये चंबा में ही पड़ती है मार्केट। एंड अभी हमने डिसाइड करा रूट कौन सा, भद्रवाह वाला। अभी हम जा रहे हैं भद्रवाह में से, ठीक है। अभी पठानकोट से घूमते हुए ना ये बहुत लंबा पड़ेगा, और ये रास्ता खराब भी है। रास्ता तो दोस्तों ये वाला भी खराब है, ऐसा नहीं है कि ये रास्ता खराब नहीं है, बट मैं कभी गया नहीं हूँ पहले। रास्ता जैसा मर्जी हो, इस रास्ते से ना गाड़ियां आती जाती नहीं है, एंड भाई बाइकों के लिए ना ये रास्ता बेस्ट है, तभी हमने ये वाला रूट डिसाइड करा। भैया और सारे पीछे आ रहे थे, और रात को मेरे को इतनी गालियां पड़ रही थी ना, बोलते यार शंटी तू किसी की बात मानता नहीं है, तेरे को कब से बोल रहे है कि रुक जा रुक जा। उन्होंने ना 10 जगह ब्रेक मारी होगी। बरमोर लेके आया था मैं उनको, मैंने बोला चलो बरमोर तक चलते हैं, आगे हम देख लेंगे, आगे नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे वहां से। बट दोस्तों बरमोर तक जब मैं आ गया ना, बाइक पे बैठा हुआ था, तो बाइक राइड करने का ना रात को मजा ही कुछ अलग था। आपको पता जब बारिश हो रही होती है ना तब निकल जाना चाहिए, अगर बारिश रुक जाए ना भाई फिर बहुत गंदी स्लिप होती है। एंड आपको ये वाली सीरीज कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरी सारी वीडियोस देख ली है फिर तो भाई सब्सक्राइब किया होना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अब हमें 173 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, अभी हमने डिस्टेंस कवर किया ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर का। अब आगे जो रास्ता ना वो बहुत गंदा रास्ता दोस्तों, अपने भाई लोग आ रहे थे साथ में वो तो काफी पीछे रह गए। एंड ये एक्सपीरियंस मेरे लिए अलग है यार, मैंने भाई लाइफ में ना मतलब ऐसा एडवेंचर कभी नहीं देखा। अगर रात को भाई हम, मैंने भैया को पता क्या बोला, मैंने बोला हम सुकून ढूंढने आया ना तो बस मेरे साथ चलो। हम ब्लॉगरों का क्या रहता है कि हमें रात में भी राइड करनी पड़ती है, हमें दिन में भी करनी पड़ती है, हर टाइम करनी पड़ती है अगर हम घर से बाहर है। और ब्लॉगरों के लिए भाई ये डिफिकल्ट तो है, बट हमें इस चीज में ना बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आज मैं अगर मोटो ब्लॉग नहीं करता तो भाई मैं कहां पहुंचता यहां तक। एंड आपको भी मजा आ रहा है ना ये चीजें देख के, तो भाई इसी तरह आगे अगर वीडियोस देखनी है ना अच्छी अच्छी, आपका भाई आगे भी बहुत कुछ प्लान कर रहा है। बस 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ जल्दी से जल्दी। जब आप मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दोगे ना, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं एक राइड ना तब पक्का करूंगा, और लॉन्ग राइड होगी वो, ठीक है। एंड ऐसी तो बड़ी सारी राइड हमने कंप्लीट करनी है, मेरे को पता भाई आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो। अगर इतने सब्सक्राइबर है तभी तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, अगर बढ़ेंगे सब्सक्राइबर तो फिर तो बहुत दूर तक जाऊंगा। एंड यहाँ पे टेकते हैं माथा, जब भी सुबह सुबह निकलना चाहिए ना माथा टेकना चाहिए, और पहला मंदिर दिखा हमें ये दोस्तों। ये चनाब के बिल्कुल साथ साथ में चलेगा रास्ता, मिंदल वाला भी यही रास्ता, बट हमने मिंदल वाला रास्ता डिसाइड नहीं करा आज। हमने इसलिए डिसाइड नहीं करा, बोलते कि वहां पे ना रास्ता बड़ा ज्यादा खराब है, एंड वो हमें ना काफी लॉन्ग पड़ेगा, पहले हमें गुलाबगढ़ जाना पड़ेगा, किश्तवाड़ घूमते हुए बड़ा दूर पड़ेगा, तो भद्रवाह हमारे लिए बेस्ट है। भद्रवाह एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत सारी चीजें है। बाकी दोस्तों आपको आगे मिलता हूँ, जय शंकर जय शंभो। चलो 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 चलो, अपने भाई लोग ना स्पीड से चल रहे हैं, एंड मेरे को ना इनके साथ साथ रहना पड़ेगा, मेरे को रास्ते का पता नहीं है। भैया ने मैप लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे जिसको भी पूछते हैं ना हम कि भैया भद्रवाह का कौन सा रास्ता है, तो दोस्तों किसी को भद्रवाह का रास्ता पता ही नहीं है। ऐसा क्यों, हालांकि यहाँ से ही भद्रवाह का रास्ता जाता है। अब हम जम्मू रहते हैं ना, तो जम्मू में हमें कोई भी पूछेगा ना रजौरी का कौन सा रास्ता, पुंछ का कौन सा,
रास्ता है तो हम बता देंगे। अब भद्रवाह ना हिमाचल के साथ अटैच नहीं है, भद्रवाह तो जम्मू में आता है, बट भद्रवाह की कुछ लोकेशन ऐसी है ना जो चंबा के साथ अटैच है, तो पता तो होना चाहिए। एंड अपनी बाइक ना कितनी ज्यादा लोड की हुई है देखो तो सही। एंड दोस्तों मेरे को एक चीज आप पक्का बताना कि मेरे को इस बाइक पे मोटो व्लॉग करना चाहिए। एंड ये बाइक ना मेरे को प्यारी लगती है, बट आप कमेंट करके बताना कि मेरे को मोटो व्लॉग कौन सी बाइक पे करना चाहिए। कोई ना हम ये वाली बाइक रख लेंगे, बट अगर आप बताओगे। एंड दोस्तों अगर किसी को आना ना यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, हमने तो रजिस्ट्रेशन करवा दी थी, उन्होंने सिर्फ वेरीफाई के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोला था, हमने वो भी करवा दी थी, बट यहाँ पे किसी ने हमें पूछा नहीं। अपने पास सब कुछ रखना चाहिए। यात्रा जो है ना 15 दिन के लिए भाई ओपन है, कभी भी आप जा सकते हो, रात में जाओ दिन में जाओ कोई मना नहीं करेगा आपको, बट अपने रिस्क पे आपने अगर रात को निकलना तो अपने रिस्क पे निकलना है। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमने फिर एक दिन में ना पूरा डिस्टेंस कवर कर दिया। अगर आप आते हो ना दोस्तों तो आराम से जाना, स्टे करने के लिए बहुत सारी जगह मिलेंगी आपको। अगर आप मॉर्निंग में अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो ना तो फिर क्या कि आप इवनिंग में पहुंच भी जाओगे, इवनिंग में नहीं भी पहुंचोगे तो नाइट में आप पहुंच जाओगे। ये ट्रैक कंप्लीट होता है भाई 4 दिन में, हमने ये ट्रैक कंप्लीट करा 2 दिन में। तो हम लड़के थे, अगर कोई लेडीज के साथ आता, बट बच्चे मत लाना दोस्तों, बच्चों के लिए ना ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल है। अब भाई मुझे लग रहा है कि ये पूरा ना एक साइड को चले गया। भैया कहीं रुको, इसे एडजस्ट करते हैं अच्छे से, आप अच्छे से चला नहीं पाओगे इतना मेरे को पता है। कहीं रुक के अच्छे से एडजस्ट करो फिर राइड करो, क्योंकि मेरे को पता ना डर रहता है मन में। अब ये रुक रहे नहीं है, भैया की एक आदत है, भैया बोलते हैं कि एक बार निकल गया ना तो फिर रुकना नहीं, रास्ते में रुकना नहीं, और तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं हम। रुकाते हैं इनको, इनको बोलो बैग एडजस्ट करो, मत लो रिस्क, काफी दूर जाना अभी। फैन भाई सबकी चाल देखो कैसी होगी हुई है, भैया चलो चाल पता कैसी होगी हुई है हमारी, ऐसे ऐसे करके चलना पड़ रहा पकड़ के। मेरे को ना आपका बैग एक साइड को लग रहा है, हाँ इधर को ज्यादा चलाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो फिर तो ठीक है। चलो इस रास्ते में भी लंगर लगा हुआ है, चलो अच्छी बात है, वैसे भी भूख लगी हुई है बड़ी ज्यादा, अब आगे क्या पता मिले ना मिले, रास्ता भी वैसा ना तो यहाँ ही खाते हैं खाना। सो गाइस खाना तो खा लिया, बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे भी लंगर लगा हुआ है। मैं वीडियोस देखता था ना बड़े बड़े यूट्यूबरों की, एंड अभी मैं खुद यूट्यूब कर रहा हूँ ना, एंड अभी मैं खुद वैसे ब्लॉग बनाता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि यार वो भी उन्होंने भी स्ट्रगल किया हुआ है। वीडियोस में देखते हैं जट प्रभजोत मोटिवेशन कुछ मतलब स्ट्रगल लाइफ बता दे अपनी, बट वो क्यों नहीं बताते। एंड भाई जिस ओए क्या हुआ, हम हमेशा सोचते हैं ना कि बड़े यूट्यूबरों की हमें कहानी पता लग जाए कि ये लाइफ में मतलब कैसे आगे बढ़े हैं, कैसे इनको सक्सेस मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लाइफ में आगे जाने के लिए ना एक एक दिन के साथ लड़ना पड़ता है आपको। हमने आज अपनी जैकेट उतार दी थी कि ठंड नहीं है, अब जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं ना वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। एंड देखो वो सामने दिख रहा ना आपको, इतनी हाइट पे जाना हमने। मैं कल भैया को बोल रहा था भैया डलहौजी घूमते हैं, फिर मैंने दोस्तों सोचा कि डलहौजी में ना कुछ खास है नहीं है, एंड कुछ लोकेशन ऐसी हैं जिधर हमें ट्रैक करके जाना पड़ता था, बट हमारी टांगों में ना इतनी जान नहीं बची अभी कि हम ट्रैक करके जाएं। एंड डलहौजी की तरह जो सेम लोकेशन है ना ये रास्ते में आएगी वो भी दिखा दूंगा आपको। लैंडस्लाइडिंग का इशू ना इस रास्ते में भी रहता है, बताया भी उन्होंने यहाँ पे ना थोड़ा सा जल्दी जाया करो, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है तो रात में थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। कितनी हाइट पे आ गया हम, हाय 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 क्या बात है भाई, आज मजा आ रहा है असली वाला कि भाई मैं भी एक राइडर बॉय हूँ। ओए होए होए नीचे देखो भाई साहब, आगे भी रास्ता खतरनाक है। हाँ दोस्तों मेरे को ना मेरे भाई बहुत पुश करते हैं हर टाइम ना, जब भी मैं कभी सोचता हूँ ना कि नहीं यार आज वीडियो नहीं बनाता, पता क्यों नहीं बनाना, चल वीडियो बना कैमरा उठा और तेरे को कोई काम नहीं देंगे और तू कोई काम नहीं करेगा बस तूने वीडियो बनानी है, इतना पुश करते है ना। ओए होए होए सुकून मिलता दिल में सच में, वीडियो देखते रहना मेरी आपको भी सुकून मिल जाएगा। सर रास्ता होगा यहाँ पे तो बड़े रास्ते हैं, ये मार्केट कौन सी है ये तो पता नहीं है, बट यहाँ से बताया उन्होंने यहाँ से जाओ, और अभी हम ना बिल्कुल टॉप पे हैं। अब वो टॉप पे जाना कि नहीं जाना ये तो आगे जाके पता लगेगा, बट इस टाइम ना टॉप पे हैं हम। लोकेशन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो टूरिस्ट आते होंगे क्योंकि लोकेशन बहुत प्यारी है, बट हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह घूमने वाली है, पीछे मार्केट तो थी। अभी मेरे को समझ नहीं आ रही, इतनी टॉप पे गए थे अभी फिर से हम नीचे आ रहे हैं और काफी डाउन आ गए हैं, और डाउन होके वापिस हमने टॉप पे चढ़ना है। पदरी तो बहुत टॉप पे है, भद्रवाह फिर डाउन पे है, हम पता कैसे चढ़ रहे हैं, ये फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, यही हो रहा है हमारा हिमाचल में। अपने भाई लोग बोल रहे हैं जलेबी खानी है यहाँ की जलेबी भी टेस्ट करते हैं। अभी हम बिल्कुल डाउन पे आ गए, फिर से हमने चढ़ाई चढ़नी है, जलेबी खाते हैं फिर चढ़ते हैं चढ़ाई। ये ला
50 की बोलो उसको। भाई साहब इनकी जलेबी तो बड़ी मस्त थी, जलेबी में इन्होंने कलर ही नहीं था डाला हुआ। हमारे उधर जलेबी होती है ना, कलर डाल के उसे ना रेड करा जाता है। बिना कलर के ना जलेबी खाने का मजा ही अलग है। हमारे वहाँ पे कलर थूप देते हैं रज के, और फिर उसके बाद ना सिर्फ मीठा ही मीठा होता है उसके बीच में, और कुछ नहीं होता। सुबह से पहली गाड़ी मिली है जो अपने जेके की है, बाकी तो यहाँ पे सारी एचपी मिल रही है। ये भी कोई उधमपुर की गाड़ी है और इन्होंने यही भद्रवाह वाले रास्ते में से जाना है। अब जंगल इतना घना आ गया ना, इसी जंगल में बालू होते हैं, क्योंकि जंगल इतना घना, ऊपर से ठंड पता कितनी है, बहुत ज्यादा ठंड है। ये होता असली नजारा, देखा वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है। और ये लोकेशन हम मिस कर जाते अगर हम उस साइड से जाते। हाँ 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 दोस्तों क्या बात है, कैसी जिंदगी जी रहा हूँ मैं, अजनबी हो जैसी। यहाँ तक पड़ रहे हैं इसके छट्टे पानी के। अभी रास्ता ना थोड़ा गंदा आया, और यहाँ वाटरफॉल इतने है ना, हर मोड में वाटरफॉल आता है। और ये देखो ना कितना प्यारा है, और सीनरी, ये क्या लकड़ियाँ पड़ी हुई है बीच में, ओए होए 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 होए, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही वाटरफॉल हमें हर मोड में दिख रहे हैं। पानी की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, यहाँ पे अलग है वाटरफॉल ही वाटरफॉल है। हम अपने वहाँ पे वाटरफॉल ढूंढने के लिए रियासी जाते हैं ना, रियासी, फिर उसके बाद एक जो सुंदरबनी में मैंने जगह एक्सप्लोर की थी वहाँ पे गया था, दो ही जगह वाटरफॉल मेरे को दिखा था, यहाँ पे तो वाटरफॉल ही वाटरफॉल है। नहीं अभी गए ही नहीं है, अभी जा रहे हैं, एंट्री करवा देते सर। हाँ हाँ कंटिन्यू है, यहाँ पे करवाते हैं भाई हम एंट्री, ठीक है। ये कई यार सी आर सी, अच्छा ठीक है आरसी दे देते हैं। चलो भाई फाइनली हो गई हमारी एंट्री। अरे तो हमें भाई अपने डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल रहे थे, दूर रखा हुआ था मैंने अपना पर्स, अभी निकाला बड़ी मुश्किल से, एंट्री करवाई। मेरा ठंड भी है वो इधर, अभी जैकेट निकालनी पड़ेगी मेरे को, आगे निकालता हूँ मैं। हाँ तो फिर जैकेट दे दो मेरे को, ये वाली इसके बीच में है, ठंड लग रही भरावा, इधर बड़ी ठंड है। ये आगे लास्ट चेक पोस्ट है हिमाचल वालों की, यहाँ से आगे आ गया जम्मू, यहाँ पे जो है मेन एंट्री करते हैं और स्टेटें चेंज होती हैं। यहाँ पे बड़ी ठंड है और यहाँ पे हाइट भी बहुत ज्यादा है। यहाँ आया रास्ता खराब, आगे चल रहा है काम, बाइक स्लिप नहीं करनी चाहिए, ये बाइक इसी रास्ते पे स्लिप करती है, अभी तक तो की ही नहीं है इसने। ओ ओ ओ, 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 ओ निकल गए, घर बन रहा है कि क्या बन रहा है, ये स्पोर्ट बना रहे हैं। जंगल में पुल कितना प्यारा लग रहा है, साइडों से जंगल और बीच में व्हाइट कलर का पुल, और रास्ता बड़ा खराब है। ये ना मेरी बाइक को स्लिप करवाएगा ही करवाएगा, तभी मैं स्लो चल रहा हूँ। भाई जम्मू की गवर्नमेंट को बोलना चाहूंगा, यहाँ पे भी नजर मारो, यहाँ पे भी रास्ता बनाओ। अगर आपके अंडर आता है ये एरिया पूरा, तो यहाँ पे भी रास्ता क्लियर होना चाहिए। 6 महीने के लिए ये रास्ता बंद हो जाता है, तभी नहीं करते होंगे इसको क्लियर। ये जा रही है भाई छड़ी, जय बोले जय बोले, भद्रवाह से गई छड़ी, सबसे बड़ी छड़ी जाती है भद्रवाह से। हाँ अब तो बसें भी आई हैं, रास्ता तो नहीं है भाई, रुक जाओ, देता हूँ साइड में, इधर बस जाओ, मैं इधर ही लगा देता हूँ। सो फाइनली गाइस वेट हुआ खत्म, सुबह से भाई चल रहे हैं इसी लोकेशन के लिए। और ऐसे नहीं बोलता मैं ये लोकेशन इतनी प्यारी क्यों है, आज खुद देखो आप, लास्ट टाइम इस लोकेशन पे पहुंच नहीं पाया मैं वो स्नो की वजह से, एंड अभी अपना ड्रीम मैंने कर दिया पूरा। और यहाँ पे लंगर भी लगा हुआ, सोचा नहीं था यहाँ पे भी लंगर लगा होगा। ओए होए होए होए, यहाँ पे खाना भाई, वैसे भी हम सोच रहे थे कि यहाँ पे मैगी बनाएंगे, 10-15 मिनट खाना खाते हैं उसके बाद भाई हम आगे जाएंगे, और लोकेशन बताऊंगा आपको मैं आगे की। लंगर वालों ने ना सच में रौनक लगा के रखी हुई है हर जगह। सो फाइनली गाइस सामने देखो यार, आप और कुछ मत देखो, आप सिर्फ सामने का व्यू देखो, है ना, चारों ओर ग्रीन मिल रही है ना जगह, पीर की गली की तरह वैसी जगह है। पीर की गली कुछ अलग है और यहाँ कुछ अलग है, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे फैमिली के साथ तो आना चाहिए यार। आना पता कब, गर्मियों के दिनों में आओगे तो बेस्ट रहेगा, सर्दियों के दिनों में आओगे तो भाई यहाँ पे तो बर्फ ही बर्फ होती है, यहाँ पे गाड़ियां नहीं आती सर्दियों के दिनों में। सो गाइस यहाँ पे ना हाइट है, भद्रवाह से ये रास्ता पड़ता है 40 किलोमीटर, और ये गाड़ियां सारी ना मनी महेश को जा रही हैं, और इन्हीं के लिए लंगर लगा हुआ आगे। ऐसी ब्यूटी मैंने कभी नहीं देखी, आज खुद फील कर रहा हूँ, मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ ना तो मजा आ रहा है। बस इधर ही लगाते हैं ना, इधर से हम पैदल जाएंगे, नहीं यार जाएगी, ओ क्या ओ भाई फिर भी जाएगी,
मैं सीधी लेके आता हूँ। ओहो, ये यहाँ पे स्लिप कर रही है, कहाँ जाएगी? चल भाई आ गई। हाय 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 हाय, क्या बात है, एक और चढ़ी गई। ओ नहीं, यहाँ पे स्थान नहीं लगता। ओ बर्न आउट मारने का मौका तेरे को यहाँ पे मिला। ओ मेरी खुद यार फंस गई है यहाँ पे। स्लिप कर रही है, थोड़ा थ्रॉटल देना। वाह, मुझे लगता है भाई इस बार ना मेरे को ना इसके टायर भी चेंज करवाने पड़ेंगे। ये देखो बीच में तो बिल्कुल ग्रिप नहीं है, साइड पे है थोड़ी थोड़ी ग्रिप, इसी की वजह से थोड़ा मेरे को ऐसे लगता है कि राइट साइड जा रहा है। इस साइड भी ग्रिप खत्म हो गई है, इस साइड फिर थोड़ी बची हुई है। सो फाइनली गाइस, आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं हम एंड। अभी शाम भी हो गई है एंड अभी ठंड भी बड़ी ज्यादा लग रही है, तो कल के व्लॉग में आपको मिलता हूँ एक ही बार। तब तक के लिए जय भोले, जय शंकर। Alright, hush.